हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है टैबलेट जीरोडोल MR। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसके अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। पहली जो दवा है इसके अंदर वो है एसिक्लोफेनेक, जो कि एक पेन किलर दवा है, और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट दवा है इसके साथ में वो है टीजैनिडिन, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है, यानी कि मांसपेशियों में जो जकड़न होता है उसको रिलैक्स करता है। तो दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टैबलेट है और आजकल काफ़ी लिखी जाती है। जो सबसे पहले इसके जो यूजेज है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, ये दवा न कि आपका सिर्फ पेन कम करेगी, स्वेलिंग है जो अगर कहाँ पर मांसपेशियों में जहाँ पर स्वेलिंग है, पेन है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी कम करता है। साथ में जो मांसपेशियों में जो स्टिफनेस है, जकड़न है, जिसको हम बोलते हैं मांसपेशियों में बाइंटें आ जाना, स्पाजम हो जाना, उसमें बहुत ही अच्छा इसका उपयोग होता है। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? दोस्तों, जैसे कि हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है स्लीपीनेस, यानी कि थोड़ी सी नींद सी आती, सीडेशन, क्योंकि अपने दिमाग पर भी काम करती है टैबलेट, इसलिए। अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट्स, कुछ लोगों में मसल मूवमेंट्स अनकंट्रोल्ड देखने मिलते हैं। ड्राई माउथ, मुंह बार बार सूखता है। नौजिया, उल्टी उबाग जैसे होना, वोमिटिंग, हार्टबर्न, कलेजे में जलन सी होना, भूख कम हो जाना, ट्रबल स्पीकिंग, कईयों को बोलने में दिक्कत होती है, और कईयों को ज़्यादा दिन लेने से, ज़्यादा टाइम लेने से लीवर फंक्शन भी इफेक्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट इफेक्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हालांकि बहुत ही कम देखने मिलते हैं, पर इनकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। दोस्तों, इसको लेनी कैसी होती है दवा को? पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, और ओनली ऑन अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, सिर्फ डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी है आपको, कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करेंगे इस दवा को, ये ध्यान रखेंगे। इसको आपको लेना है, स्वेलो करना है पानी के साथ में, पूरी टैबलेट स्वेलो इट विद अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर ईटिंग फूड, खाने के बाद में। इस टैबलेट को आपको च्यू नहीं करना है, चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये काम कैसे करती है? जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और इसमें कॉम्बिनेशन है दो दवाओं का, खासकर टीजैनिडिन, ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर काम करती है, और जो पेन के सेंसेशंस होते हैं उनको ब्रेन तक नहीं पहुंचने देती। इस तरह से आपको पेन से, मांसपेशियों को पेन से मुक्त करती है और आराम पहुँचाती है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इस टैबलेट के बारे में, क्या ये टैबलेट अल्कोहल के साथ सेफ है? नहीं दोस्तों, अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है। ड्राइविंग करते समय भी अनसेफ है इस टैबलेट को लेना, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया सीडेशन हो सकता है, एक्सीडेंट्स होने के खतरा है अगर ये टैबलेट ले तो। आप प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग है तो नॉर्मली ये टैबलेट अनसेफ है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग है। हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरी हो लेना तो आप डॉक्टर्स की राय से ले सकते हैं, कंसल्टिंग योर डॉक्टर। अगर आपको कोई लीवर या किडनी संबंधी बीमारी है तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है इस टैबलेट का डोज कम करना पड़े या डॉक्टर सोच समझ के आपको टैबलेट देंगे। तो दोस्तों, आखिर में जो इम्पोर्टेंट टिप्स है इस टैबलेट के बारे में वो हम बताते हैं। इस टैबलेट का मेन उपयोग है वो है मसल रिलैक्सिंग, मांसपेशियों में रिलैक्स करना। जैसे कि मान लो लो बैक एक हो, आपको कमर दर्द हो, मांसपेशियाँ खींच गई हो पीछे, तब ये काम करेगा। या नेक स्प्रेन हो, कल कई बार हम देखते हैं कि हम तक क्या छोटे मोटे उल्टे सीधे लगाने से हमारा नाड़ में जकड़न आ जाती है नेक में, उसको हम नेक स्प्रेन बोलते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। और ये टैबलेट को कुछ दवाओं के साथ नहीं लेना है, खासकर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, जिनको हम क्यूनोलोन ग्रुप ऑफ दवाएँ बोलते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये ग्रुप के साथ नहीं लेना। और दूसरा है एक एंटीबायोटिक, ये तो एंटीबायोटिक हो गई सिप्रो, और दूसरी एंटी डिप्रेसेंट है वो है फ्लुऑक्सामिन। फ्लुऑक्सामिन एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है, उसके साथ भी इस दवा को नहीं लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है। इस दवा को और भी उस समय नहीं लेना है जब आपको आपके मांसपेशियों का मसल टोन अच्छा चाहिए होता है, यानी कि आप कोई मूवमेंट्स करने वाले हैं, भागने वाले हैं, साइकिलिंग करने वाले हैं, उस वक्त आपका मसल टोन अच्छा होना चाहिए, उस वक्त भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि कई बार ये मसल टोन वीक करने से, मांसपेशियों ज़्यादातर रिलैक्स करने से, हो सकता है आपका बैलेंस सही नहीं हो, आपका मूवमेंट सही नहीं हो, और आपको एक्सीडेंट होने का, गिरने का खतरा होता है। इसलिए जब भी आपको कोई अच्छी मूवमेंट्स करने हो, साइकिलिंग करना हो, तब इस टैबलेट को नहीं लेना है।
और मोर देन 3 डोसेज, यानी कि दिन में 3 डोसेज ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसको ज़्यादा दिन नहीं लेना और ज़्यादा डोज में भी लेना है, ये ज़्यादा डोज में और ज़्यादा दिन नहीं लेना, ये ध्यान रखेंगे आप। इसको अवॉइड करना है आपको नारकोटिक पेन किलर्स के साथ, जैसे कि ट्रेमेडॉल वगैरह है उनके साथ नहीं लेना है। कोई अगर आपकी कोई दौरे संबंधी दवाई चल रही है, सीजर्स एपिलेप्सी की दवाई चल रही है, उनके साथ में अवॉइड करते हैं। डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, इनसे नींद, जो डिप्रेशन एंग्जाइटी की दवाई उनसे पहले से ही आपको नींद आती है और उसके साथ आप ये दवाई लेंगे तो एक्सेसिव नींद आएगी, आपको ज़्यादा नींद आएगी। स्लीपिंग पिल्स के साथ नहीं लेना है और अवॉइड विद एल्कोहल, शराब के साथ भी नहीं लेना है। ये इन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज हमने आपको जीरोडोल MR जो कि एक मसल रिलैक्सेंट दवा है उसके बारे में बताया। आशा करते हैं ये जानकारी आपकी उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला के दे सकें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।